मेरा उसमें अविनल भारती का कैरेक्टर है. सो इट्स अ शो बेस्ड ऑन फोर स्टूडेंट्स. सो आई एम वन ऑफ द फोर स्टूडेंट एंड उनके लाइफ में द कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग, उनका राइवलरी उनको कैसे अफेक्ट करता है वो है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सो इफ यू गेट टाइम गो एंड गिव इट अ शॉट. अपकमिंग प्रोजेक्ट जस्ट अभी लाइक दिस मंथ ही आई गॉट माई क्रैश कोर्स रिलीज. तो मेरा पूरा लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में था. होपफुली रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है. दिस इज द फिफ्थ वीक एंड स्टिल वी आर इन द टॉप 5 शोज ऑफ इंडिया राइट नाउ. सो व्हाई नॉट सीज़न 2 एंड सीज़न 2 ऑफ क्रैश कोर्स. सो दैट इज व्हाट आई एम एमिंग. ओके. सो ये जो एक मीडिया के बाद ये जो एक मिथ है वो मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा. आपने जितनों को भी देखा सोशल मीडिया पर फेमस हुए, थोड़ी सी मेहनत करके फेमस नहीं हुए. आपको लग रहा है कि उनके उन्होंने बस खड़े रह के लक्ष्य किया है, खड़े रह के डांस किया, बट उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है. टू टेक द कैमरा, उसके सामने आओ, उसके सामने इतना कॉन्फिडेंस से कुछ परफॉर्म करो एंड डू इट कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंटली जब वो करते हैं तब जाकर उतना फेम जो लोग जहाँ पे है अभी वो डिजर्व करते हैं. तो थोड़ी मदद नहीं, बहुत मदद है. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत छोटे छोटे शहर से हर जगह से सब ऐसा उभर के आ रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लाइक शो व्हाट वी हैव इनसाइड. I just want to say, please don't give up. Whatever you have in your mind, just do it. And there's this quote by Big Sean. You should not worry about whoever's next. You should worry about your mama worrying less. So I think that is what I believe in and everyone should. Thank you so much. एक सेकंड चालू रखो. चालू रखो. शूट करो. ओके. हाँ, क्या बोल रहे हो? एक तो सारी में ना चल रहा. वैसे आई लव सारी, यू नो, कभी कभी तो मौका मिलता है पहनने का. या नहीं नॉमिनेटेड, थोड़ी सी गलत फहमी, नॉमिनेटेड नहीं. आज मैं देखने आई हूँ एंड इस यू नो रंगीन समारोह को थोड़ा सा देखने आई हूँ, इन्जॉय करने आई हूँ. आई होप नेक्स्ट टाइम मैं भी नॉमिनेट हूँ, जीत जाऊँ अपने किरदारों से, अपने कामों से. सो या आई एम सो हैप्पी, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर अवार्ड शो. मैं उसकी यू नो देखने आई हूँ. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो नर्वस एट द सेम टाइम. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सो एक्साइटेड. यू नो आई थिंक सो इट्स अ वेरी यूथ स्टेप, आई विल से एप्रिसिएशन वाला स्टेप है. एंड आई फील सो गुड. यू नो ऐसे प्लेटफॉर्म से जिनमें आगे बढ़ने की यू नो वो मौका दे रहे हैं हमें, वो आगे बढ़ना है, वो पहचान दे रहे. सो आई थिंक इट्स गुड यार, इट्स वेरी गुड, एप्रिशिएबल. या
I'm super excited. I'm so happy and so nervous. But looking forward to enjoy this event, looking forward to meet new people, and I am so happy. So happy. Yes. Hanji, Hanji, Hanji. मैं वही कह रही हूँ ना कि बिकॉज OTT ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने के कारण ना बहुत लोगों को मौका मिल रहा, बहुत लोग के टैलेंट जो दबे पड़े थे यू नो काफ़ी वक्त से, अब वो आ सक रहे हैं. यू नो डेफिनेटली देर इज़ अ कॉम्पिटिशन, बट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ नाउ. यू नो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सो लोग आ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. अब यू नो वो कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल का आ रहा है, मौका मिल रहा है. I'll say this struggle thing ना, ये तो करना ही होता है. I mean, struggle मैं नहीं कहूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको करना ही. मैं अगर इस field में आगे बढ़ना चाहती हूँ, so if I want to succeed, then I should work hard. I'll not consider this as a struggle. I'm sorry. I will not consider this part as struggle. ये hard work, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा path है, you know, ये मेरा रास्ता है. सो जो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो बस हार ना माने. यू नो अपने यू नो स्किल्स क्राफ्ट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओ, कुछ सीखो, जितना आप लोगों से मिल सकते हो, जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, प्लीज़ करो. और लर्निंग से ना कभी छुपो मत, यू नो कभी पीछे मत हटो. नहीं पता ना तुरंत बोलो कि भाई मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो दिस, यू नो करेक्ट मी और लेट मी नो. बहुत लोग झिझक जाते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है, जिनको उड़ाना है उड़ाए, आप बस अच्छे से रहो. दैट्स द थिंग आई वांट टू से. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you. Mother, mom, maa ko introduce karu. Exhausted. Came from London this morning. Hi, sir. What do you want to say? You got the award. I'm very happy ki mujhe award mila hai. Sorry for. Talent Track Rising Star, it's a very nice to receive an award, and बहुत खुशी हुई कि मम्मी मेरे साथ में, हम लंदन से अभी आया सुबह आया हम दोनों, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ये अवार्ड मिला है मम्मी के साथ, मम्मी साथ में थी मेरी. आई एम जस्ट हैप्पी दैट लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारा हार्डवर्क, सो एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. यू हैप्पी फॉर एन अवार्ड? इतना शायद नहीं, बहुत बोलती बस कैमरे के सामने शायद. शी वेरी हैप्पी, शी बेटर बी हैप्पी. Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Sir, you are a well-known actor and viewer. Who was struggling for the recognition by the public? Sorry? Who was struggling by the recognition by the public? Who was struggling for that? What do you want to say about that? So I always think that never give up on your dreams. I think the people who feel that they're not being seen by the public, I think, you know, they have a chance to also be seen. I think talent always speaks for itself. It's about who you are, where you're from, क्या backing है, क्या किसको जानते हो industry में, ऐसे नहीं है. I think it's about your talent, your hard work. And if you have talent, you have hard work, and you persist at it, अब आगे ही जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता. तो I think that I understand the pain, I understand the struggle also. I know it's tough, very tough to survive in this industry and be known in this industry, but I think with hard work, positivity and a positive mindset, आगे ही जाओगे. And if your talent speaks for itself. So I think I'm sure people are trying to get there, will get there eventually, and just persistent keep the hard work going. So what do you want to say about Talent Track Award? I think Talent Track Award is very good because, you know, it highlights people's talents. That sometimes, you know, normal people coming into the industry and working hard, and Talent Track recognizes those people, which is a very big thing for our industry. So mujhe bahut acha laga ki ek ek brand hai, company hai, jo bol sakte hai ki Talent Track hai, jo un logon ko hum leke aate hai, usko promote bhi karte hai. So very happy about that. It was fab. I was waiting for Faizu, but he's late as always. So I'm going to go. Thank you so much. I think, you know, I'm just so happy that Big Boss ke journey mein khatri ke khiladi jab bhi maine kiya hai. I think, you know, jo log mujhe dekhte hain screen pe wo hanste hain, jo log aate hain raste pe Rajiv, इतना अच्छा लगता है आपको देख के, इतना अच्छा लगता आपको देख के. आई थिंक दैट इज अ ट्रॉफी फॉर मी इन इटसेल्फ, जो लोग पसंद करते मुझे. आई एम सो हैप्पी कि आई माय जॉब इज मेक पीपल लाफ, एंड आई एम हैप्पी पीपल आर जेलिंग विद मी, लाइक दे लविंग मी ऑन स्क्रीन, एंड देयर इज नो बिगर बॉस इन दैट. हाँ,
मैंने आई कैन गो टू अर हाउस फॉर्चून लंडन में था, पर मेरे घर में पापा रखा था मैंने। मेरी मम सबसे बड़ी गणपति भक्त है, मेरे घर में 100 या 150 गणपति है, मूर्ति इतनी बड़ी बड़ी लंडन में। तो आई थिंक पापा को मैंने यही मांगा, बस शांति दो, उसके पेड़ के पास रखो, मैं कीपिंग ऑलवेज ब्लेस्ड बाय हिज फीट एंड बस पीस फॉर द वर्ल्ड, दैट्स इट। Something come here very special which I can't talk about, but aap dekh lijiye, very very soon kuch announce karne wale hain. आप लोगों को लगा शायद कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा ये शो से, कि सबको लगा था राजीव एक दो हफ्ते में निकल जाएगा, पर अभी तक शो ही टिका हूँ, तो मतलब बहुत ओवर में टक्कर मार रही है शो में। एंड आई थिंक यू नो आई एम सुपर इम्प्रेस विद फेज़ वन जन्नत, आई थिंक द फैंटास्टिक एंड ये जेन्यू द आई थिंक जन्नत एंड फेज़ वन रियली सरप्राइज मी, आई थिंक टू द बेस्ट प्लेस इन द शो, एवरीवन्स गुड, आई एम ऑल्सो गुड, अभी तक इतना पहुँचा हूँ मैं, बट फेज़ वन जन्नत सरप्राइज मी फॉर शो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Fantastic, it's a great feeling. The lineup was very strong. I didn't think, but वही कहते हैं कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है. So thank you. And like I always say, my fans, my audience, the biggest thank you is to you guys, because you are I am. Thank you. टैलेंट ट्रैक के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना नाता है एक्चुअली, बिकॉज द ऑर्गेनाइजर हिमसेल्फ इज माई गुड फ्रेंड संकेत बांदेकर, एंड आई बीन कमिंग टू टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम देयर फर्स्ट अवार्ड्स एंड फ्रॉम देयर वेरी फर्स्ट अवार्ड्स टैलेंट ट्रैक, सो या आई नो द ओकेजन एंड ऑल दैट थिंग, बट टुडे द वेदर वॉज लाइक नॉट अनफेवरेबल टू अस, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन गॉट लेट यार। अभी तो हम लोग कुछ ना कुछ तो हम लोग किसी ना किसी ओकेजन में तो हमारा मिलना हो ही जाता है, सो आई थिंक लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद है, तो एक वो भाई भाई वाला एक फील आ जाता है। द ब्रो कोड इज देयर राइट, देयर इज ऑलवेज अ ब्रो कोड। बहुत ज्यादा वी मिस लॉट, आई थिंक हमें फैंस हमें मिस करने देते नहीं है, या वी दे कीप रिमाइंडिंग अस, एंड अभी तो उन्होंने नया कर दिया कि दे रीवॉचिंग द सिद्धिदिन मानेना एपिसोड्स, यू नो वी डेली एक्चुअली हमें ऐसे वो हमें मिस ही नहीं करने देते, हमें ऐसा लगता है कि हम डेली हमारा शो देख रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द डीएम्स, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरीज एंड ऑल दैट थिंग, एंड दे कीप एक्चुअली यू नो पोकिंग अस दैट वी वांट सीजन 2, या सो डू वी, हमें भी चाहिए सीजन 2, बट इट्स ऑल अप टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन टीम, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट राइट, या या श्योर श्योर, थैंक यू। हाय हेलो हाउ आर यू, अरे हाय 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 हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम, आप वहाँ पे भी आने वाले थे राइट,
ब्रो एक फोटो लेना हमारा। अच्छा लास्ट 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 आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। ही सेइंग टैलेंट ट्रैक डिजिटल पोर्टल को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक टैलेंट ट्रैक का मेन मुद्दा यही था कि दे स्टार्टेड एक्चुअली यू नो कम अप विद दिस आइडिया दैट दे विल सपोर्ट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट जस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्टर्स टू बिकॉज आई पर्सनली आई हैव लाइक टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ टैलेंट ट्रैक एंड दे आर हेल्पिंग एक्टर्स टू एब्सोल्युटली या सो या उनका ये मानना है कि आज नए टैलेंट जो आ रहे हैं सो दैट्स द नेम ऑफ देयर ब्रांड टैलेंट ट्रैक उस नए टैलेंट को किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके एक्चुअली दे आर गिविंग टैलेंट ट्रैक Yeah, that yeah. is, they are giving them the track. Yeah. And that's how they are actually like, you know, showing them, showcasing them कि जो नए टैलेंट्स हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं उन्हें जो मौका नहीं मिल रहा है जो उन्हें उनको उनके काम के लिए उनके यू नो प्रेरित नहीं कर रहे अवार्ड्स नहीं मिल रहे सो दे हैव कम अप विद दिस दे एक्चुअली टुक द इनिशिएटिव वे बैक Yeah. I'll tell you this thing happened in the year 2017. If but I'm then not lockdown happened, right? No, lockdown happened after, in 2020. After that, right? After two years also. But yeah. They took this initiative in the year 2017. Yeah. So, thank you so very much for giving your time. Thank you. Yeah, sure. Excited to be here and I mean it's a great honor and I'm looking forward to seeing all my friends from the industry today and I wish all the nominees the best of luck. What is it you want to say about the celebrity in this thank you I'm repping Adidas today. Yes sir, what are your comments? It's so matching, it's so perfectly timed. Thank you so much. Thank you. I think that you know, in our industry, we have to dress well all the time, so it's nice to be appreciated. So, Talent Track is taking a good initiative by, but how are they doing digital content or to felicitate their what do you want to say about that? I think it's a good platform. I think jitne sare platforms aayenge, mere jaise digital content creators ko aur encouragement milega. And I think it's great. We have one more great platform to fall back on. Thank you. Hi. It was
the first time here, so. It was good. It is very lively and we had fun. This is our first time, so we were enjoying it. You say now. it's going. he will only say now. I want to hear from him. It is very good. I don't know, we really understand each other and no complaints yet. Lot of complaints. I mean, there are, but. It's going there. You guys shared, you know, positive and good part of this film. How this journey has been for you? What do you want to say about it? Because there were no phones, so. Honestly, it was very unexpected and. We didn't plan it, we didn't think of it, it happened and... We were going with the flow and it happened. Exactly, and we are still. Thank you guys, thank you. Thank you. Hi. Hi. Yeah.